हेलो एवरीवन वेलकम टू वेदी फाइल तो आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमन क्लेचर ऑफ ईथर का कि ईथर के अंदर हम किस तरह नॉमन क्लेचर करेंगे यहां हम पढ़ेंगे कॉमन मेथड और एक पढ़ेंगे हम वही आई यू पी एस सी मेथड की किस तरह उसका नाम रखा जाता है बात क्लियर है सो so, मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम कैसा रखा जाता है ईथर का कॉमन नेम ऑफ ईथर इज रिटर्न बाय अरेंजिंग टू एल्काइल और एराइल ग्रुप टू द ऑक्सीजन एटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर क्या बोला हमने जो भी मेरा ईथर होगा उसका नाम कैसे लिखा जाएगा जो दो अल्प ग्रुप होते हैं या फिर एराइल ग्रुप होते हैं मेरे दो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और लास्ट में इथर लगा देंगे तो उसको हम उसका कॉमन नेम बोल देंगे बात क्लियर है इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल इथर प्रिफिक्स डाई इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप क्या बोला अगर सिमेट्रिकल इथर प्रेजेंट है तो वहां पर प्रिफिक्स डाई हम यूज में लेंगे क्या यूज में लेंगे डाई यूज में लेंगे उसका एलकाइल पार्ट हो या फिर एराइल पार्ट हो बात क्लियर है अभी हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि किस तरह का कॉमन नेम लिखा जाता है और किस तरह है आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है तो उसको लिखने से पहले और मैं आईयूपीएसी के रूल्स भी बता दूं आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे हम बताइए आईयूपीसी नेम ऑफ ईथर इज एलकॉक्सी एलकेन किसका होता है एल्कोक्सी एल्केन होता है दैट मींस लार्जर अल्काइल ग्रुप इज कंसीडर एज एल्केन जो लार्जर ग्रुप होगा उसको तो हम लिख देंगे एलकेन और जो स्मॉलर पार्ट होगा मेरा छोटा पार्ट होगा उसको एल्कोक्सी बना देंगे जैसे मैं अब एग्जाम्पल की बात करता हूं कुछ देखिए पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं सी एस थ्री ओ सी एस थ्री इसका नाम कैसे लिखा जाएगा पहले कॉमन सिस्टम की मैं बात करता हूं देखिए

दो कार्बन है और ऑक्सीजन के इस तरफ भी दो ही कार्बन है बात क्लियर है तो बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मैं डाई इथाइल इथर बोल दूंगा इसका कॉमन क्या? डाई इथर बोल दूंगा। बट अगर मैं इसके आई नेम की बात करूं तो आई नेम क्या होगा बताइए इसका आई नेम इथॉक्सी इथेन हो जाएगा क्या हो जाएगा हो जाएगा। अब बोला मैंने क्योंकि इस तरफ भी दो ही कार्बन थे और दूसरी भी दो ही कार्बन आ रहे हैं और इथॉक्सी वाले पार्ट में भी दो ही कार्बन आ रहे हैं, हैं। इसलिए मैंने क्या बोला इथॉक्सी इथेन हो गया इसका बात क्लियर है अब मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूं ये रहा थर्ड एग्जाम्पल इसमें आप क्या देख पा रहे बताइए ऑक्सीजन के एक तरफ तो एक ही कार्बन है और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ दो कार्बन आ गए हैं दैट मीनस अनसिमेट्रिकल ईथर आ गया है अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं हम देखिए समझिए हमने क्या बोला था कि कॉमन नेम के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उनको अरेंज करेंगे और लास्ट में ईथर लगा देंगे तो एक तरफ प्रेजेंट है इथाइल एक तरफ प्रेजेंट है मिथाइल तो बताइए कौन सा अल्फाबेटिकल में पहले आता है ई e पहले आता है या एम पहले आता है बिल्कुल ई e पहले आता है इसका मतलब इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर बिल्कुल क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा और इसके अगर आई नेम की बात करूं तो वहां हमने क्या बोला था जो छोटा पार्ट होगा उसको एल्कॉक्सी बनाएंगे और जो बड़ा नाम होगा उसको क्या बनाएंगे एल्केन बनाएंगे दैट मीनस इसका नाम क्या होगा मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा इसका आई नेम बात क्लियर है समझ में आया इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की मूव करता हूं मैं अब की बार मुझे एग्जांपल देखने को मिल रहा है ये वाला आप क्या देख रहे हैं बताइए एक प्रेजेंट है है से ओ लगा हुआ है और ओ से क्या लगा हुआ है बताइए कौन सा पार्ट है पार्ट लगा हुआ है कौन सा आइसो प्रोफाइल पार्ट लगा हुआ है तो बताइए अब इसको हम किसमें लगाएंगे सबसे पहले कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम क्या होगा बताइए इसका एक लगा हुआ है आइसो प्रोफाइल एक लगा हुआ है मिथाइल तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा आईसो प्रोपाइल में आई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है आई पहले आता है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका कॉमन नेम और अगर मैं आई यू पीसी बात करूं तो यूपीसी कैसे करते हैं हम नेमिंग बताइए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इसके अंदर और नंबरिंग कैसे करेंगे देखिए ऊपर वाले कार्बन को वन नंबर जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है वो सेकंड नंबर और आगे वाला कार्बन थर्ड नंबर हो जाएगा इसमें बात क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखिए अब यहां पर हमने देख लिया है कि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है दो पॉसिबिलिटी है वन मिथॉक्सी भी हो सकता था और टू मिथॉक्सी भी हो सकता है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं सेकंड पोजीशन के ऊपर ओ सी एस थ्री लगा हुआ है इसलिए मैंने इसका नाम बोला टू मिथॉक्सी प्रोपेन क्या बोला टू मिथॉक्सी प्रोपेन प्रोपेन क्यों बोला तीन कार्बन की एक चेन थी बात क्लियर है समझ में आया कैसे इसकी नेमिंग करी मैंने एक एग्जांपल और लेते हैं हम देखिए अब की बार मैंने एग्जांपल लिया ये वाला जिसमें वही CH3 O CH2 CH2 CH3 रिप्रेजेंट है यहां पर बात क्लियर है तो इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो क्या लिखेंगे कॉमन नेम तो हो जाएगा हमारा इसका मिथाइल प्रोपाइल ईथर मिथाइल पहले क्यों है इस पर बताइए क्योंकि अल्फाबेटिकल में एम पहले आता है और पी बाद में आता है इसलिए हमने बोला मिथाइल प्रोपाइल इथर कॉमन नेम अब मैं आई नेम की बात करूं तो क्या होगा बताइए आई नेम क्या होगा बताइए फर्स्ट वन मिथॉक्सी प्रोपेन क्या हो जाएगा वन मिथॉक्सी प्रोपेन अब वन मिथॉक्सी क्यों बोला इसको हमने बताइए क्योंकि फर्स्ट नंबर कार्बन से ही क्या लगा हुआ है

ये मेरे पास एग्जाम्पल है यहां पर एक एराइल पार्ट लगा हुआ है ऑक्सीजन फिर सीएस थ्री लगा हुआ है तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉमन नेम कॉमन नेम में बताइए एक को बोलते हैं मिथाइल एक को बोलते हैं फिनाइल तो बताइए एम पहले आता है या पी एम पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल फिनाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो जाएगा उसको हम एल्कोक्सी बनाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा क्या हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन और इसी को जनरली एनिजोल भी बोल दिया जाता है क्या एनिजोल भी बोल दिया जाता है इसको समझ में आया यहां तक ये बात हुई कि अगर हमारा एक एराइल पार्ट हो और एक एल्कायल पार्ट हो अब मैं बात करता हूं मान लीजिए मेरे पास दोनों ही एराइल पार्ट है क्या है दोनों ही एराइल पार्ट है ऑक्सीजन के दोनों तरफ तो उसका कॉमन नेम क्या होगा उसका आई नेम क्या होगा तो अगर मैं इस कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करूं तो वो मेरा हो जाएगा डाइफिनाइल ईथर क्या हो जाएगा डाइफिनाइल ईथर हो जाएगा कॉमन नेम और आई के नाम की बात करूंगा तो एक को क्या बना देंगे फिनॉक्सी बना देंगे और एक बेंजीन होगा मेरा इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेनजीन आई में बात क्लियर है तो ये बात हमारी किसको भी बताइए ये? ये बात हुई हमारी कि दोनों तरफ अगर हमने एराइल ग्रुप लगा रखे हैं तो उसका कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम कैसे लिखते हैं बात क्लियर है इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे हमें ये सारा नॉमन क्लेसर क्लियर हो जाएगा किस तरह इसका नॉमन क्लेसर किया जाता है देखिए अब मैं बात करता हूं

टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ये होगा इसका कॉमन नेम तो आपने क्या देखा मैंने टर्शरी को पहले लिखा है अब आपको लग रहा होगा सर टर्सरी तो टी बाद में आता है एम पहले आता है बट मैंने क्या बोला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता जबकि आइसो

प्रोपेन अब बात आ रही होगी सर आपने मिथोक्सी को पहले क्यों लिखा किसको मिथॉक्सी को पहले क्यों लिखा वो बात आ रही है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चेक करते जाइए जाइएक् और मिथाइल में दोनों में एम आ रहा है दोनों में ई e आ रहा है दोनों के अंदर टी आ रहा है दोनों के अंदर है। तो एच आ रहा है बट अब आगे बात करूं तो मिथाइल में तो वाई आता है और मिथॉक्सी में ओ आता है इसलिए मिथॉक्सी को पहले रखा गया है तो टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन इसका आई नेम हो जाएगा बात क्लियर है समझ में किस तरह मैंने इसका आई नेमिंग करी एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम देखिए इसके अंदर देखते हैं हम किस तरह इसका आई नेम लिखेंगे तो देखिए यहां पर मेरे को क्या प्रेजेंट है देखिए इसका हमको केवल आई नेम लिखना है कॉमन नेम हमको नहीं लिखना है तो देखिए सी एस थ्री उसके बाद सी एच सी एच से ऊपर क्या लगा हुआ है ओ सी एस थ्री और उसी के आगे लगा हुआ है ओ सी एस थ्री तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम बताइए इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो यहां पर तो दो दो ईथर आ चुके हैं दैट मीन ओ सी एस थ्री ओ सी एस थ्री दो यहां पर प्रेजेंट है तो इसको मैं क्या कर दूंगा वन कॉमा वन क्या हो जाएगा 1, 1 जिस कार्बन से दो दोस्त जुड़े हुए हैं उस कार्बन को वन नंबर को हम क्या दे देंगे बताइए दे इसका क्या हो जाएगा आई यूपीसी नेम हो जाएगा बात क्लियर है तो ये सब बात हुई नॉर्मन क्लेचर ऑफ ईथर की नॉमन क्लेचर किस तरह किया जाता है बात क्लियर है आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू